यहाँ पे लगा था अभी ट्राइपॉड, ये सब बैठे हुए हैं। एक हमने बनाया है क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, कमेंट मैंने अरविंद कल से बंद कर दूंगा क्योंकि हाँ जी रंजित वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जिम और हमारा भी कुछ काम है तो हम वहाँ पे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर। हेलो गाइस, हम मम्मी ना मम्मी कह रहे पहले मैं भी चलू, हमने कहा नहीं तुम जिम जाओ। पापा ने कहा हेलो पापा कहा था ना ऐसा, पापा कह रहे नहीं तुम अपनी जिम ही जाओ। अब मम्मा गए हैं जिम, हम जा रहे हैं काम से, तो चलते हैं मिलेंगे गाड़ी में। सो गाइस ये देखो, इन अंकल का गाड़ी का शीशा टूट चुका है, जैसे पहले हमारी उस गाड़ी डिजायर का टूटा था ना वैसे टूटा है इनका भी शीशा। उनका भी स्टीरियो निकाल के ले गए, तार तार छोड़ गए। देख रहे कितना गंदा तरीके शीशा टूटा, पूरा पूरा शीशा टूट चुका है। देख लिया हमारा शीशा टूट तो है, देख लिया ऐसे हमारा साथ भी हो चुका है। हमारा इस गाड़ी का ये वाला शीशा टूटा था। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, काम तो बता दो पापा, सिलेंडर की केवाईसी करवाने के लिए। ठीक है तो हम होगा, वो पापा के नाम पे था तो उसकी केवाईसी मांग रहे हैं, अपने नाम पे जा रहा हूँ ट्रांसफर करवाने के लिए। देख क्या उनका क्या सिस्टम है, ठीक है तो कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो बंद करा के नया ले लेंगे। और क्या क्या सिलेंडर हाँ कनेक्शन। अच्छा तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में होगा ना, चल रहे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। दो मिनट हम घर से नीचे उतरे हैं, जैसे घर से नीचे उतरे हमारी गाड़ी की होती है, वहां से लेके यहाँ तक आने तक ना इतना पसीना आ गया ना किसी ने सोची ना होगी, है ना बाबा। तो गाइस अभी हमारा काम हो चुका है सारा, लेकिन पापा को दोबारा कल चक्कर मारना पड़ेगा, है ना पापा। गवर्नमेंट में एक बार में कभी कुछ होता नहीं होता। हाँ मेरे सामने तो होते हैं कई लोगों के, हमारा बेटा दूसरा है ना केवाईसी का सिस्टम, और वो पर्ची मांगे पहले पापा का नाम पे था, पापा का नाम हटाएंगे फिर मेरे पे चढ़ाएंगे। यस ये चिपको नहीं, पीछे तो करने दो कम से कम, पीछे करा रहे हो गाड़ी आ रही थी उस टाइम। तो हरली ने हमें बुला लिया, मुझे साथ ले जाना, और हम बैठे हैं यहाँ पे और वहाँ शीशे में आराम से दिख रही है हरली ट्रेडमिल कर रही है जिम में। दिखाऊं? दिखाता हूँ अभी। तो ये जिम में देखो गार्ड बाहर बैठा, ये सामने अगर आपको दिख रहे होगा ये ट्रेडमिल कर रही है, उसकी हल्की हल्की शर्ट दिख रही है ना, अभी तक बाहर नहीं आ रही, देख रही है वहाँ पे शीशे में से। तो गाइस जिम से निकल चुकी हूँ मैं, और अब ये दोनों ना मेरी जिम पर बात करते हैं। हमने कहा ओए मम्मी, हमने कहा कि थोड़ा मम्मी अब जिम से आए ना कि थोड़ा मम्मी को हेल्दी फूड खिला दे। हम बहुत हेल्दी फूड है, हम लोग खाने आए हैं बाहर खाना, और नॉर्मली खाएंगे सिंपल सी रोटी। मैं सिंपल सी रोटी दिखता हूँ आपको, यहाँ पर खाएंगे गर्मा गर्म पान, गर्म में गर्म बड़ी चॉकलेट पान। और एक बात बताओ, हमें अभी ना लंच ब्रेकफास्ट वो भी हमने इकट्ठे की एक शॉप पे है, यहाँ पे बहुत फेमस शॉप पश्चिम बिहार में ना अशोक मीट वाला है, और उसके बाद जब भी खाना खाने जाओ ना वो सच्ची में ना सब्जी उसकी इतनी यम्मी होती है ना कि मतलब दिल को नजारे आ जाते हैं। और उसके बाद ना इतनी छोटी इतनी पूड़ी भी, इतनी सी पूड़ी होती है ना जो लंगर में मिलती है, उतनी रोटी है, और छोटी सी रोटी 10 रुपए की एक है। तो कहते हरलीनी से सब्जी पैक करा के ना कहीं ऊपर मंडी चला करो, वहाँ पे 5 रुपए की इतनी बड़ी रोटी मिलती है, वही से रोटी लेके खा लिया करें। चलो हमारा तो 7-8 सौ बिल बनता है नॉर्मली जब भी हम खा लेते हैं। दो लड़के आए हुए थे रोटी खाने, बस दो लड़के 2100 रुपए यार, 2100 रुपए का उनका बिल बढ़िया देख कर 2100 रुपए। हमारा तो वैसे हो जाता है यार, होती इतनी सब्जी तो बहुत। अभी चॉकलेट पान भी खा लिया है, लंच भी हो गया, और अब हम जाके आराम से सोएंगे। नहीं ये बोला तेरे मामू आ रहे हैं नहीं प्रिया ने ये बोला कि तूने मामू के घर जाना है, कहती हूँ स्वाती जो आती है करी जाएगी मामू घर, कहती स्वाद जवाब देती है, बहुत तेज हो गई उसको पता लग गया मामा को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और हमारा व्लॉग अपलोड हो चुका है, और सीरियसली बताऊं यार दिल से थैंक यू है आप लोगों को जो मुझे प्यार करते हैं, और मैं कसम से खा के बता रही हूँ
अगर आप लोग सच में इतना प्यार ना करते होते ना, और मतलब इतने सारे आपके मोटिवेशनल कमेंट्स आते हैं, और मेरा मतलब अपनी फैमिली से ज्यादा बढ़ के, अपने जो खुद की फैमिलीज हैं उनसे ज्यादा बढ़ के भी आप लोग हो हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली सच बताऊं तो मैं को ये नहीं कहती आप 24 घंटे मेरी तारीफ करो, या मेरी या डुगू की या जप्पू की किसी की भी, पर आप लोग हमको सीरियसली प्यार करते हो। और ऐसी नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स भी ऐसे थे जो इंसान किसी दुश्मन के लिए भी ये लैंग्वेज यूज नहीं करता, जो इंसान ने वो लैंग्वेज यूज करी है, एबीसी कोई भी है, मुझे नहीं पता कौन भी है, पर जो भी है ना बाबा जी देख रहे हैं, सीरियसली बाबा जी देख रहे हैं। दम है ना नेगेटिव कमेंट करने, तो इंस्टाग्राम आईडी पे आके करो, उसमें क्यों नहीं करते, उसमें तो पता लग जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं किसी को नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही मैं किसी का नाम लेके बोल रही हूँ, मुझे क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं पता कौन कर रहा है, पर मुझे नहीं पता, पर बाबा जी को पता है। और ये आप उस दुनिया में रहते हो जहाँ पे इंसाफ होता है, मुझे पूरा ट्रस्ट है इंसाफ होता है, और बाबा जी आपके साथ अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो आपका गलत होना निश्चिंत है, आज होगा कल होगा परसों होगा कभी भी, अगर हम गलत नहीं करें तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। तुमने वो सुना नहीं है सिद्धू मूसे वाले का, कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म देना ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तब मिलेगी 295 जे करेगा तरक्की पुत्र हेट मिलूगी, करोगे अगर तरक्की तो हेट मिलूगी, और सिद्धू मूसे वाले पहले से ही बता दिया था तो हेट मिलेगी, कोई चक्कर नहीं। पर मैं अपने हेटर्स के लिए नहीं, मैं अपने लवर्स के लिए जो मुझे प्यार करते हैं, हेटर्स कोई भी नहीं है हमारा, वो एक आधा वो है, वो हमारे अपने में से कोई है जिसको घर की सबकी बातें पता है, वही सेम आईडी से सबको कमेंट करे जा रहे हैं, हमें भी गिरीश को भी प्रभु को, एक ही आईडी है, और बनी का बात 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, बस कोई बात नहीं, जिसने भी बनाई है वो खुश रहे, क्योंकि वो इस चीज का इंतजार करे कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरा गलत होना निश्चिंत है, और बहुत जल्द होगा, और सब देखेंगे कि गलत होगा ही होगा, जिसने भी करा है उसके साथ गलत होगा ही होगा। मेरे लिए आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, अगर मेरे लिए ये कर रहे हो ना, जो मुझे बोलेगा वो उसको खुद के लिए ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे और मेरे डुगू की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करते, और ना ही ऐसी बकवास लैंग्वेज का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो आपका जो दिल करे आप करी जाओ, डोंट केयर। गाइस अभी हम आए हैं क्वालिटी बाजार, हम राशन का सामान लेने के लिए, एकदम आराम आराम से आ रहे हैं, पापा को देखो कितनी जल्दी हो रही है, देखो मेरे पापा बड़ी जल्दी हो रही है आपको, बस इतना ही राशन का सामान था, एक लेना 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 आधा किलो पिस्ता, एक किलो पिस्ता, आधा किलो पिस्ता, एक किलो पिस्ता, पागल है सच में। सो गाइस सबने अपना अपना थैला उठा लिया है, जप्पू ने शुगर, डुगू ने लाहौरी जीरे की पेटी, सब अपनी अपनी मंजिल को निकल गए हैं, बहुत गर्मी है यार बाहर, तो लू चल रही है, देखो लू चल रही है, गर्म गाड़ी चल रही है ना, लग गई मेरे को किंदा भाई गुरु गर्मी लग रही है। सो गाइस हम ना गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी में बैठते ही ना मैंने डुगू को बोला मेरे ये जो शूज है ना वो कंफर्टेबल है, तो ऐसे आर्क वाले, मैंने कहा डुगू आप भी ऐसे ले लेना हेमकुंड साहब जाने के लिए ना आराम से, और हमने हेमकुंड साहब जाने की प्लानिंग करी है, रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जब जाएंगे उसी टाइम फाइनल होएगा, और एक डाउट अभी ये भी है कि अगर हम चले गए तो पीछे से व्लॉग कैसे अपलोड होगा, क्योंकि वहाँ पर तो नेटवर्क ही चले जाते हैं। नहीं नहीं आपके लिए हम इंतजाम करके जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ आपके लिए छोड़ के जाएंगे, ऐसे नहीं व्लॉग हमारा रोज आएगा, अगर एक आधा दिन भी नहीं है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी कोशिश वैसे कोशिश हमारी यही होगी कि जितने दिन हम जाएंगे उतने दिन के हमारे ब्लॉग अपलोड हो जाएंगे, और हम करके जाएंगे, कोशिश हमारी यही होगी कि हम कुछ ना कुछ आपको देखे ही जाएं, ताकि आप लोग जपनूर फैमिली से दूर ना हो, है ना, ताकि आप देखते रहो जप्पू फैमिली को, फिर आके आपके साथ हेमकुंड साहब के, दो बार मैं हेमकुंड साहब गया उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो अब जाके आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, मैं भी इनको भी दिखाना है, मैंने हमने फर्स्ट टाइम जाना है, मैंने और जप्पू ने फर्स्ट टाइम डुगू तब गए थे जब जप्पू होने वाला था, जप्पू मैं प्रेग्नेंट थी और जप्पू तब हुआ नहीं था, तब गए थे डुगू फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम डुगू एक बार फिर गए थे तब जप्पू हो गया था, नियर अबाउट 4-5 साल पहले गई थी आप, है ना, 4-5 साल तब गए थे डुगू, तो लेकिन दोनों बारी मेरी बात सुनो, मैंने कुछ और कहने के लिए फोन उठाया था, व्लॉग में बनाने के लिए कुछ और ही फोन उठाया था मैंने,
और बीच में फिर वो हो गया। तो मैंने ये कहने के लिए फोन किया, मैंने डुगू को बोला, मैंने कहा डुगू आप वो वाले शूज लेना। डुगू कह रहे दिला दो ना फिर। मैंने कहा अभी नहीं मैं दिला सकती, मेरे पास पैसों की कमी है अभी मेरे पास, क्योंकि ना एकदम से जब छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ती हैं और फिर ट्यूशन सड़ती है ना, तो एक बार बैलेंस हिलता है। तो मैंने डुगू को बोला कि मैंने कहा अभी मैं नहीं दिला सकती, मैंने कहा मैंने आपको एनिवर्सरी पे बोला था ना गिफ्ट ले लो आप, तो आपने बोला नहीं मैंने नहीं लेना मैंने नहीं लेना, उस टाइम पे ड्रामे कर रहे थे कि मैंने कहा ठीक है अब आपका बर्थडे आ रहा है ना तो आप अपने बर्थडे पे ले लेना कटे, मैंने नहीं लेना मैंने नहीं लेना मैंने नहीं लेना अभी पाँच लोग को मैंने नहीं लेना, ऐसे कर रहे थे डुगू। सुबह काम करने गए थे वो आप काम क्या करने के, वो कहते वहाँ पे 10 तारीख तक बंद था क्या, वो कहता 10 तारीख के बाद कोई KYC क्योंकि लोग आ रहे थे वहाँ करवाने के लिए। अच्छा। जिसके नाम पे उसको आना जरूरी है। मेरे तो ट्रांसफर करवाना था ना जो और लोगों के KYC कराना था। अच्छा एक्चुअली क्या था ना हमारा जो सिलेंडर का कनेक्शन था ना वो पापा के नाम पे था, तो अब ना KYC करवानी जरूरी थी, तो इसलिए KYC करवाने के लिए जिसके नाम पे कनेक्शन है उसको प्रेजेंट होना जरूरी है, पापा तो है नहीं, तो इसलिए डूब गए थे सिलेंडर, वो कनेक्शन अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए। जो और लोग आए थे उनकी मम्मी और पापा आए थे किसी किसी लोग के, तो उन्होंने कहा था OTP आएगा उस नंबर पे, तो OTP देना, OTP से भी हो जाएगा, वेरीफाई तो करना था उन्होंने, OTP हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी जप्पू में बैठा दिया था, मैं जप्पू को बैठ गया था, जप्पू सुन रहे होना ना, उठे बैठ के जप्पू पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जप्पू को मैंने बिठा दिया ऑफिस में, मैं क्या था मैं फिट एक आंटी का नंबर चेंज कराना था और बहुत सारे लोगों की KYC करानी थी। तो ठीक है यार आपको ना KYC करानी जरूरी होती है, जिन लोगों की नहीं हुई आप लोग करवा लेना, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है रुको 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 मैंगो लेने, मैंने उनसे वो वाले भैया से मैंगो है क्यों नहीं, मतलब कितने सारे हैं, मेरे को ये आम जाते हुए बड़े पसंद आए थे, मैं लेके 150 रुपए दे। 107 का एक किलो, मम्मी पापा मुस्कान भूपिंदर जोगी 160 ऐसे बोलता है, 160 हुलुलु ब्रांड कैसे करता है, 100 रुपए किलो दिए, मैंने कहा भैया 200 के 2 किलो, भैया मैंने 2 किलो लिए, मैंने कहा भैया सही लगाओ, भैया कह रहे एक आम एक्स्ट्रा ले लो, पैसे 200 ही लूंगा, 260 हट क्या पैसे दो ना, दो ले लो ना। हेलो गाइस गुड इवनिंग, सो कैसे हो आप सब, हम लोग सो गए थे फिर हम लोग उठे, फिर मैंने तो बहुत सारा काम भी किया, मैंने कपड़े जो सूखने डाले हुए थे वो मैंने उठा के फोल्ड करके रख दिए, और जो दूसरे कपड़े थे धोने वाले वो धोने के लिए भी डाल दिए, नहा लिया रेडी हो गई। अब हमारे घर पे आने वाले हैं एक स्पेशल से गेस्ट, तो जब वो आते हैं तो अभी आपको मिलवा लेते हैं उनसे, क्योंकि वो जस्ट आने ही वाले हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी एंट्री तो आपको पता ही है कि किचन में ही होने वाली है, तो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, फटाफट से बना लेते हैं मैंगो शेक, मैंगो पड़े थे क्योंकि पेप्सी लेके नहीं आई भूल गई, तो इसलिए बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। वैसे मैं आपको बता दूँ कौन सा स्पेशल गेस्ट आ रहा है, आ रही है हमारी काजू बाजू, तो वो आने वाली है, तो मैं मैंगो शेक बना रही हूँ, उनके आने से पहले कल ही बना लेती हूँ। तो डुगू और जप्पू बैठे हैं अंदर, और जो जप्पू देख रहा टीवी, हे गाइस फॉलो कर लो, क्या हाल चाल, दो नंबर प्रिया का फोन आ गया, दो नंबर ऊपर काजू सच्ची गल काजू उठी है। हां जी किसी आया, ओए आ जाओ पहले अंदर आ जाओ, अभी नहीं अंदर बैठ के फैसला कर लो पहले कौन चुकेगा, उधर बैठ जाओ, ये सब चल रहा है इरिटेट हो रही है, वो इरिटेट हो रही है, तुमसे ठोक आई है लगता है, नहीं ज्यादा तोड़ के गई है मैं ऐसे डुगू के पास, डिजा मैम के पास, पारी कर फिर पारी कर आ?
काजू मम्मी बुला रही है, बाय कर दे बाय। काजू काजू मेरे पास आएगी नन्नू, मेरे पास आएगी मम्मी पास है? नहीं हो मुंह छुपा लिया। मामू है ना, मामू मुंह छुपा लिया। मामू कितने से? मामू कितने से देना? बाबा दे दो ना। आई नहीं थी तुम्हारे पास? मैं बाहर हूं। तुम्हारे पास आई नहीं? अपने हाथ नहीं, अपने आएगी तो आएगी। आना नहीं बस देख नहीं मेरे अंदर बढ़ रही है। रोएगी तो वापस ले लेना पक्का। नहीं आ रही पक्का। अगर वो रोएगी तो वापस ले लेना। चल जा। जप्पू भी जी, जप्पू नीचे करके थोड़ा। जप्पू भी जी चढ़ रही है। जप्पू मच्छर बढ़ रही है, देख ले मच्छर डाल रही है। नोनी नोनी ड्रेस पहन के ही, नोनी नोनी ड्रेस है ना, नोनी नोनी ड्रेस पहन के ये काजू मोबाइल देख रही हो। मोबाइल लेना है? देखो मोबाइल लेना है। अब कर दे, अब कर दे। किस बात का गुस्सा आ रहा है? अब कर दे। अब तेरा फैन ऊपर है, तेरे को फैन चाहिए ना? तेरा मिक्की माउस फैन ऊपर है, ऊपर आ जा। हाँ की है हंस ना थोड़ा बहुत तो हंस बहन। झूठ ना बोलो। और की हाल चाल? जाम ने मारिया ना, बहुत ज्यादा जाम होता है। दो घंटे च ना सोनीपत क्रॉस हो जाता है। जिन्नी देर बुराड़ी आंच लगती है। सोनीपत एक घंटे में क्रॉस हो जाता है। मतलब पानी तो पहुंचा मुर्ता तो साडे बुराड़े तो बहुत बुरा। इत तुहाडे उत्ते दी पूरी सड़क भी खुदी हुई है ना, बाहर दी सारी पाइपलाइन पै रही है। सीवर खोद रहे ने, बहुत स्लो काम कर रहे ने। फिर तुहानू जल्दी कराना चाहिए ना, इन्नी परोश तो लगानी चाहिए थोनू। मोदी ने बोला कि हेलो गाइस, टीची मैंगो शेक पीना है? पीना मैंगो तुझी मैंगो शेक पीना है? पीना ड्रामे मत किया कर, मुंह मत सीधे उल्टे बनाया कर। ये क्या है, कि नवी हरकत सीख गई है? है की सीखी है? काजू, ओए काजू, काजू रुको, इसको ऊपर तो लेके चलो। अभी लेके चले फैन दिखाने के लिए इसको, उसका फैन कितने? तेरा फैन, फैन कितने है? मिक्की माउस वाला फैन कितने है? फैन कितने? अभी मूड नहीं है उसका, मूड नहीं है उसका बात करने का, हंस नहीं रही अभी, पोटी कर रही है लगता है। तो तुम रोन दियो, चुक्का चुक्ला। हां अच्छा, चुक्ला गोदी चुक्ला, फिर मैं चुक दिया, फिर तुम रोन लग जंदे हो, फिर तुम रोई रोई कर दियो ना, है ना? कीछी कुछ लाना कर रहे हैं, कुछ करी चुक्लो, कुछ ना ना मैंगो शेक पीना, मैंगो शेक पीना, पीना मैंगो शेक चुक्का चुक्का। फिर मैं चुक दिया, तुम रोन लग जंदे हो। देखो उठने की कोशिश कर रही है, उठ जो, उठ जो, कोशिश करते रहेंगे। काजू और मैं और जप्पू और डुगू हम चारों जा रहे हैं ऊपर। काजू को इसका रूम दिखा दे, क्योंकि ये ऊपर वाले रूम का पंखा देख के बहुत खुश होती थी। तो हम जा रहे हैं ऊपर, चले चलो, चलिए नीत भी जा रही है साथ साथ, चलिए। काजू आ गई अपने बेड पे, आराम से लेट गई है काजू। अरे पंखा बंद करना, पंखे चले में थोड़ी देखेगी सोनी। ओ देखो, ओ देखो, हाँ देखी है। दीदी वो देखो पंखा, मिक्की माउस, तेरा दोस्त, तेरा जिगरी यार। देखते क्या रिएक्ट करेगी, देख रही। ओ कर लिया रिएक्ट, हंस रही। सोना पंखा, सोने पंखे ने हेलो बोला। ओए वो देखो क्या कर रही है, पंखे से ऐसे ऐसे करके बात कर रही है।
वो हंस रही है कर ली मिल गए इसको इसके दोस्त हो गई काजू कुछ काजू कुछ हो गई वो देखो बातें करने की कोशिश में है। ओह माय गॉड शोनी बच्ची को उसका पंखा मिल गया। ओह माय गॉड यो चलिए चले कुम्मी को भी चलिए हो 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 कितना जोर लानी है आ आ फिर आ चल चल चलिए चल ले मेरे पास रहने कोई बात नहीं हम रह भी सकते हैं रहना हम नए कपड़े ला देंगे ओ रहना मेरे पास और रहना ओ आजा मेरे बाबू आ मेरे बाबू चल ले चलिए चल शीशा ना देख ओए ओ डर गई कोई नहीं डर गया देखो चोली बच्ची तो यहाँ पे लगा था अभी ट्राइपॉड ये सब बैठे हुए हैं। एक हमने बनाया है क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और इतना बढ़िया कुछ ऐसी बातें थी हमें नहीं पता थी और वो बातें अभी खुली है प्रिया और इनकी और ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा 4-5 दिन के बाद जब हम जाएंगे हेमकुट साहब अगर हमारा बन जाता प्रोग्राम तो उसके बीच में फिर आपको देखने को मिलेगा। बाहर हो रही है बारिश देखे बाहर चल बारिश चलो तो अभी आ चुके हैं गाड़ी में और अभी जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए और बारिश भी हुई है यहाँ पे अभी ये देखो शीशे के अंदर रखा है ये सारे बारिश हुई है बाहर रोड आपको दिख रही होगी गिल्ली और जरा सी बारिश हुई है गंद पता है कितना मच गया बहुत गंद मच गया। चलो बैठ जाओ अब जा बेटा चल तू चला जा एक ही बात है डोर क्लोज कर दियो। और मैंने आप लोगों को एक बात बतानी थी कल से हमारे जितने भी जो ये वाला ब्लॉग देख रहे हो जितने मेरे भी ब्लॉग डालेंगे थोड़े दिन के लिए मैं उसके कमेंट्स बंद कर दूंगा कमेंट्स मैं ऑन नहीं रखूंगा। अगर आप लोगों को जो हमसे बात करनी है आपके पास हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है मेरी है दिलदीप सिंह शिंकू हरलीन की है हरलीन कौर जब और जपनूर के ब्लॉग्स तो है ही है तो कमेंट्स मैं थोड़े दिन के लिए बंद कर दूंगा क्योंकि 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में आइडिया बनी जा रही है कितनी आईडी मैं डिलीट करता हूँ और इतने गंदे कमेंट्स मैं आपको बता नहीं सकता। ये आईडी मैंने देखो नीचे लगा रखी है एक 5 मिनट में बनी है एक कोई 10-15 मिनट में बनी है तो कई बार बंदा नहीं भी ध्यान करता कमेंट्स वगैरह का तो इस करके मैंने सोचा है कमेंट्स में बंद रखूँगा। अगर आप लोग हमें प्यार करते हो व्लॉग देखना चाहते हो व्लॉग्स देखो कमेंट्स में बंद रखूँगा। और यहाँ पर ये देखो अभी ये आ गए हैं बारिश में काजू आ गई हमारी एरी सोरी है उठी हुआ सोरी है चलो ठीक है जब आपको मिलती है रास्ते में जाके जहाँ पे हम जा रहे डिनर करने। तो ये मेरी बात हुई है इंस्टाग्राम पे पहले इन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा कहते मैं मैसेज कर रहा हूँ तो बाद में जब कॉल पे बात हुई तो ये मुकर गए कि मैंने मैसेज नहीं किए हैं नहीं कौन सा नंबर चाहिए था। हाँ जी कौन से कमेंट आपने नहीं किए अरे यूट्यूब वाले मैंने नहीं किए मुझे तो आज आपका ब्लॉग देखा था नंबर चाहिए था। आप कौन बोल रहे हो पे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे आप लिख कर भेजो जरा मेरे को आए और अपना नाम का नहीं नहीं सॉरी वाली बात नहीं देखो भाई जितना मैं परेशान हूँ मैं आपको बता नहीं सकता तो आप मेरे को एक बार व्हाट्स कोई बात नहीं आप मेरे को ना एक बार व्हाट्सएप पे आई लिख के भेजो अपना नंबर भेजो मैं बात करता हूँ आपसे कोई बात नहीं भेजो। तो अभी आए हैं यहाँ पे राजेंद्र के ढाबे पे और यहाँ पे भी सामान करा रहे पैक हम गाड़ी में खाएंगे बैठ के आराम से क्योंकि यहाँ पर सीटिंग इतनी कम होती है ना और रश यहाँ पे बहुत सारा होता है। हरलीन को मैंने दोपहर को भी खिलाया लंच बाहर से और रात को कहते कि मैं खिलाऊंगी और अब आके यहाँ पे मुकर गई कि मैं नहीं दे रही पैसे। हरलीन मुकरू हो गए ना तुम एक नंबर की मैं व्लॉग बनाने छोड़ दूं क्यों छोड़ दूं मेरा बिल्कुल मन नहीं है व्लॉग बनाने का। अच्छा मैं तुम्हें राड़ के रख दूंगा एक मिनट से पहले एक दो टके के बंदों के लिए हमें अपने काम थोड़ा छोड़ देंगे ये। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कमेंट मैंने हरलीन कल से बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे को पहले मेरी फैमिली प्यारी है हमारी इज्जत प्यारी है कोई मुझे इतना वो लालच नहीं है सही बताऊँ व्यू शू का
और आप भी अगर मेरी जगह तो ऐसे ही करते, मैं कल से कमेंट बंद कर दूं जिसने हमसे बात करनी है। आप कमेंट कल मत बंद करना, पहले आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू तो लो। अगर कल भी उस आईडी से गलत कमेंट आते हैं उसके बाद हम कमेंट बंद कर देंगे। तो आप मुझे बताना कल, चलो मैं कमेंट कल बंद नहीं करूंगा, आप मुझे बता कल कमेंट बंद आज का बंद करने चाहिए कि नहीं बंद करने चाहिए, आप मुझे ये जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत गंदे कमेंट्स हैं। और मैंने आईडी भी आपको दिखाई है कि 5-5, 10-10 मिनट बाद आईडी बन रही है, इससे पहले भी कितनी आईडी मैंने साथ साथ डिलीट की थी, स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं था उसका। तो अपने यहाँ पे गाड़ी में सिस्टम ठीक है, यहाँ पे ले आओ सब्जी, प्लेटें, पेप्सी और आराम से बैठो यहाँ पे, दो पीछे बैठ के, दो आगे बैठ के, दो दो की जोड़ी, दो दो की जोड़ी आराम मिला है, जोड़ी इकन्ना एक कोड़ी। सो गाइस ये देखो अभी हम खा रहे थे रोटी और मीत ने गिरा दी सब्जी, अपने पैरों पे गिरा दी और गाड़ी में भी गिर दी। मम्मी ये रह गई, ये देखो आप इसके पैर धुलवाए जा रहे हैं, मम्मी धुलवा रहे हैं, बुआ पानी डाल रहे हैं। वाह वाह, फुफड़ जी ने कहा, फुफड़ जी ने कहा के आज मामू जी तेरी सेवा कर रही है, कह रही मैं तो लक्ष्मी ही हूँ ना। चलो लक्ष्मी है, हम यहाँ पे लगी हुई है। हाँ जी गंजूदत्त, ओए गंजूदत्त नहीं करनी कल, ओ कीशी अखा ते लाइट पै रही है, लाइट पैंदी अखा ते, अखा ते लाइट पैंदी है, मोती है लाइट पैंदी अखा ते, डिनर कर लिया, घर पे आए हैं, घर पे आती किचन में बढ़ गई मोटी छिपकली, किधर घुस गई, तो अरलीन लगी थी भगाने, मैं तो डर लगता है मेरे को, मैं तो रूम में हूँ, अरलीन भगाएगी, भगाओ अरलीन, चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब आ गए हम अपने घर पे, टाइम हो चुका है 12:30, डिनर डोनर कर लिया हमने बाहर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने आज बाहर से, उन्होंने ही बोला था कि रजिंदर के ढाबे से खानी है हमको रोटी, हाँ तो वहाँ पे हमको तो लेके गए। चलिए ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बस यहीं तक था, और कल अब कमेंट अब ओपन रहेंगे बंद रहेंगे, कल देख लो, कल ऑन कर लेते हैं, और अगर कल भी किसी ने गलत कमेंट किया तो देखो यार, अब किसी से बहस करनी और किसी से लड़ने की हमारी जिस लेवल पे कोई गिर सकता है ना, साइबर सेल में हम लोग वो आईडीज देने वाले हैं, और जिसने भी किए हैं वो अपने पता लग जाएगा, हमने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है। अगर तो कल भी उस आईडी से कमेंट वैसे बेकार से कमेंट आएंगे तो हम उसके साथ जो बंदा कर रहा उसके लेवल पे जाके हम उसके साथ नहीं गिर सकते, इसलिए हम कमेंट ना, हमारे पास टाइम है ना, हमने वो चीजें सीखी है ना, हम हमारे दिमाग में इतनी गंदगी है ना, हम किसी को इतना गंद बोलते हैं ना ही हम वो गंद देख सकते हैं। बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम कमेंट्स ऑफ कर देंगे। आपने जो हमसे प्यार करते हो प्लीज व्लॉग देख लेना अगर आपका मन करे तो, नहीं तो ये इतने नेगेटिविटी हम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, सीधा कमेंट ऑफ करेंगे, बात खत्म, किसी से लड़ झगड़ हम नहीं सकते। या चली गई अपने घर पे, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है आंधी के जैसी, तो अभी टाइम है जस्ट सोने का। डुगू मेरे को कह रहे थे कि हरलीन कल कमेंट सेक्शन, कल के व्लॉग से कमेंट सेक्शन बंद कर देंगे, किसी का भी कमेंट आएगा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जो हमसे प्यार करते हैं ना वो ऐसे ही व्लॉग देख लेंगे। पर मैंने डुगू को बोला कि अभी रुक जाओ एक दिन और देखते हैं, अगर फिर भी कोई गलत आईडीज बना के, देखो यार हम किसी से लड़ना नहीं चाहते ना ही हमने कभी किसी को गलत बोला है, हम लोग व्लॉग बना रहे हैं अपने शौक के लिए बनाते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो भी ऐसे गलत कमेंट्स कर रहे हो, नहीं अच्छा लगता यार, आपके घर पे भी आपकी माँ बहन बेटी है, तो किसी को इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, सीरियसली नहीं बोलना चाहिए। अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, चाहे जो भी है ना प्लीज़ ये सब बंद करो, नहीं अच्छा लगता, फैमिली वाले हम भी हैं, फैमिली वाले शायद आप भी होंगे, तो गलत है ये चीज़ें करनी, प्लीज़ बंद कर दो, रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप करते हो तो वो आपकी चॉइस है, अगर बहुत ज़्यादा हद पार हो जाएगी तो हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, नहीं तो हम जाके आपकी कंप्लेंट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो बेटर है कि प्लीज़ आप बंद कर दो, नहीं अच्छी लगती ये चीज़ें, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।